नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यौन हमले केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि किसी गतिविधि को यौन हमले की श्रेणी में तभी माना जाएगा जब यौन इरादे से स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हुआ हो। फैसले में यह भी कहा गया है कि जबरदस्ती छूना यौन हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट में एक यौन हमले के आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपी पर नाबालिग लड़की से यौन शोषण का आरोप है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल नाबालिग का सीना छूना यौन हमला नहीं कहलाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यौन हमला तब कहलाएगा जब आरोपी पीड़ित के कपड़े हटाकर या कपड़ों में हाथ डालकर फिजिकल कॉन्टेक्ट करे। बता दें कि आरोपी को एक 12 साल की लड़की के ब्रेस्ट छूने और छेड़खानी के लिए यौन हमले का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाते हुए आरोपी के कॉन्विक्शन में बदलाव किया। आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा के तहत बरी कर दिया गया जिसमें उसे 3 साल की न्यूनतम सजा मिल सकती थी। वहीं जज का कहना था कि जानकारी के अभाव में इस घटना को यौन हमले की श्रेणी में नहीं रख सकते। हालांकि जज ने यह भी कहा कि यह आईपीसी की धारा के तहत आएगा जो महिला की लज्जा भंग करने के तहत आता है। आपको बता दें कि यह केस 2016 का है जब आरोपी अमृत देने के बहाने नाबालिग को अपने घर ले गया था। यहां उसने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। जब वह नाबालिग की मां पहुंची तो उसने बेटी को रोते हुए पाया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ तुरंत एक FIR दर्ज कराई गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।